अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज है सुबह का वक्त और इस वक्त मैं बना रही हूँ चाय, और ये सेकंड चाय है। सुबह अर्ली मॉर्निंग की चाय हम लोग पी चुके हैं और ये नाश्ते के बाद की चाय है जो मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, मेरे लिए। और उसके बाद जो दिन भर का रूटीन है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आफ्टर गिविंग विदाउट शुगर टी टू माई हस्बैंड, आई विल पोर फॉर मी। और चाय नाश्ते से निमट कर फिर थोड़ा सा प्लांटिंग करेंगे हम। और किचन में आने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं लंच में थोड़ी मेथी बना लूँगी, तो मेथी देखा मैंने तो ख़राब हो गई थी, तो इसको मैंने अलग कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी सूखी। तो ऑयल में मैंने ज़ीरा, राई, हींग और सौंफ डालकर थोड़ा सा क्रेकल होने तक पकाया। उसके बाद में मैं ये कटे हुए आलू गोभी इसमें डालकर और अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत चटपटी सी, बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है। इसके बाद मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी। ड्राई स्पाइसेस के बाद में मैं इसमें मिर्ची, टमाटर वगैरह कट करके जितना मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल के, और बहुत ही इजी सी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। तो मैंने इसमें ये सॉल्ट डाल दिया और मैं सारे ड्राई स्पाइसेस जो हल्दी, मिर्ची वगैरह हैं, सिर्फ धनिया नहीं डालती मैं। तो ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद में मैं इसको थोड़ी देर चलाकर और इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर दूंगी और हमारी सब्ज़ी डन हो गई है। देखिए बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी लगती है। तो इसके बाद में मुझे थोड़ा सा DIY करना है। और ये देखिए मैंने ये सब्ज़ी बेजर रोटी के साथ सर्व की है। तो मैं एक पुराना सा एक बॉक्स पड़ा हुआ था उसको मैं स्टोरेज के काम में लूँगी। उसके लिए मैं इस पर थोड़ा सा पेंट वगैरह करके तो इसको साफ़ कर लूँगी। तो कलर मैंने कर दिया है उस बॉक्स पर और जब तक वो ड्राई होता है तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और मैं उस पर वर्क करूँगी डेकोपेज वर्क। तो देखती हूँ कैसा लगता है, पहली बार कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अब मैं बना रही हूँ कीवी फ्रूट से एक शेक। I need you.
심은 볼 것 같아 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl I need you girl Stay here lady I need you girl Save me lady I need you girl Stay here lady I need you girl Save कीवी फ्रूट और कर्ड का शेक बन चुका है। इसमें मैंने दही वगैरह ऐड करके विदाउट शुगर, क्योंकि हस्बैंड के लिए बना रही थी तो मैंने ब्लेंड कर लिया है। और ये डेकोपेज शीट है, टिश्यू पेपर है जो मुझे उस पर लगाना है, तो मैं इसको इस तरह से इसके पीसेस निकाल लूँगी। जो इसका पैटर्न है, जो तरीका है इसका बताया जाता है, उस तरह से गीला ब्रश कर मैं इसको अच्छे से निकाल कर, और जो मैंने जो बॉक्स था उसको मैंने पेंट कर लिया था एक्रेलिक कलर, और उस पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा था, खूबसूरत लगा था बनने के बाद में। और आप भी देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। तो इस तरह से एक स्टोरेज के लिए बॉक्स वगैरह, इसे किचन में भी यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो इस तरह से ग्लू में मैंने थोड़ा पानी मिलाकर और इसको इस पे पेस्ट करती जाऊंगी मैं ब्रश से अच्छे से। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था तो थोड़ी सी सलवट आ गई थी इसमें, लेकिन नेक्स्ट जो बॉक्स बनाऊंगी तो इंशाल्लाह उसको बिल्कुल अच्छे से करूंगी। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें पेंटिंग की हो। तो बहुत प्यारा लगा था ये। और मैंने इसमें जो स्पाइस मिर्ची आती है बहुत तीखी वाली छोटी सी, वो मिर्ची को रख के और मैंने इसको मेरे किचन में यूज़ में ले लिया था, तो दिखने में भी अच्छा लगा। और इस तरह से मैं इसको प्रेस कर दूंगी अच्छे से दबा कर, ताकि ये इसमें मर्ज हो जाए अच्छे से। और ये हमने इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से डेकोरेट कर लिया था, और जो फाइनल लुक है वो इसका मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। उसके बाद मैंने इस पर वार्निश भी कर दिया था ताकि ये बिल्कुल लॉक हो गया था। तो अभी मैंने इसको सूखने के लिए रखूँगी मैं, इसके बाद मैं इसको फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। कि इसके ऊपर अब मुझे वार्निश करना है, तो नेक्स्ट डे किया था मैंने। Love is you.
तो ये है इसका फाइनल लुक, और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा ओल्ड सा लुक दिया था। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।